दुर्ग जिले की पुलिस ने विभिन्न दो मामलों में 3 साइबर ठगों को बिहार और झारखंड पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लाया है, जिन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग पुलिस डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया के समक्ष पेश किया। अमेजॉन डिलीवरी कोरियर सर्विस के नाम पर धोखाधड़ी और बजाज फाइनेंस में लोन दिलाने के नाम धोखाधड़ी करने वाले कुल 3 आरोपियों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना और अंजोरा चौकी में दर्ज मामले के अनुसार डिलीवरी कोरियर सर्विस के लिए 1,000 रुपए देकर गूगल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लगभग 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों अर्जुन मंडल और नकुल मंडल को जामताड़ा झारखंड के ग्राम पिंडारी से तो एक अन्य मामले में फेसबुक आईडी देकर बजाज फाइनेंस से लोन देने का झांसा लगभग 8 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी राधेश्याम कुमार को वारसलीगंज नवादा बिहार से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल सहित 15 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। धारा 420 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमतारा से आज 2 लोगों को ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गूगल ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा कुरियर हेल्पलाइन में अपना नंबर जो है गूगल में ऊपर दिखाते थे। जब भी किसी आदमी को कुरियर से कोई प्रॉब्लम होती है, लेट आ रहा है या कुछ टाइम पर नहीं आ रहा, जब वो हेल्पलाइन नंबर ढूंढते थे उन्हीं का हेल्पलाइन नंबर दिखता था, उस पर वो कॉल करते थे। कॉल करने पर इनके द्वारा एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराया जाता था, एड्रेस अपडेट कराया जाता था, मोबाइल नंबर अपडेट करा के 5 रुपये का पेमेंट के लिए कहा जाता था। 5 रुपये का पेमेंट करते ही सारा ऑनलाइन डिटेल्स इनके पास पहुँच जाता था। एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फॉस्टर के पास पहुंच जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो उसको खाली कर दिया करते थे। ये डेली 2 लोग मिलकर डेली कम से कम 10 से 15 लोगों को का कॉल इनके पास आता था, और जिससे डेली 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक एक बंदे से ये वसूल लिया करते थे। पिछले 3 वर्षों में इनके द्वारा 5 करोड़ से ज़्यादा का ठगी की गई है। 4 घर बनाए गए हैं, कीमती गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, कीमती सामान खरीदे गए हैं। ये लोग हर फ्रॉड के लिए एक अलग सिम लेते थे जो 1,000 रुपये में खरीदते थे फर्जी ढंग से बिना रिकॉर्ड्स के, और 30% रिटर्न पे ये लोग बैंक अकाउंट लिया करते थे 30% कमीशन देकर। तो कहीं ना कहीं फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी सिम के आधार पे इस तरह की ठगी की जाती, ठगी के बाद सिम को तोड़ दिया जाता था। पुलिस की आसूचना रखते, जब भी बाहर की कोई पुलिस आती थी तो ये लोग सब जो है ठग जो है फरार हो जाया करते थे, मोबाइल बंद कर दिया करते थे। लेकिन दुर्ग पुलिस ने 10 दिन की रेकी के बाद इनको मोबाइल के साथ पकड़ा है और इन पे 420 की कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाए कि लोन दिखाने के नाम पर फेसबुक में ये लोग अपना ऐड करते थे, और उसमें जब आदमी फ़ोन करता था तो प्रोसेसिंग के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, लेट फी के नाम पे, रिफंड के नाम पे ये 1,000 रुपये से शुरू करके 5 लाख तक की वसूली कर लेते थे। इनका जो मालिक है वो ये फेसबुक को ऐड को करता था, 7-8 गुड़गे इसने रखे हुए थे। दोनों जो मालिक हैं उनको भी पहचान हो गई है, उनको भी पकड़ने की बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। पैसा जमा करने पे आपको लगे दोबारा कोई मांग रहा है तो उसके ऑफलाइन साइट पे जाके चेक कर, स्टोर पे जाके चेक करें कि नंबर सही है कि नहीं। हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके हेल्पलाइन नंबर लें, ऐसे गूगल ऐड पे और इंस्टाग्राम ऐड के नंबरों पे भरोसा ना करें, अन्यथा आप अपना गाड़ी कमाई जो है खो सकते हैं। जिस तरह से फ्रॉस्टर्स तेज हो रहे हैं, हमें भी ज़रूरी है कि हम भी उसमें जो है सजग रहे। ये 3री पास और 5वीं पास लोग हैं, आप समझ सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी पारंपरिक ढंग से चीज़ों को सीख चुके हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इनकी बातों में फंस सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।